पहले बात महाराष्ट्र की। नई सरकार का कहना है कि अधिकारी अब फोन पर बात करें तो हेलो की जगह पहले वंदे मातरम कहें। संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि इससे देश में प्रेम, देश प्रेम और भक्ति, देशभक्ति मजबूत होती है। आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार की क्या प्राथमिकताएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सुधीर जी। नमस्कार, वंदे मातरम। समय निकालने के लिए, बात करने के लिए, अधिकारी फोन पर बात की शुरुआत वंदे मातरम से करें, हेलो से नहीं, क्यों जरूरत आपको इसकी महसूस की गई, क्यों ये महत्वपूर्ण है? 18वीं सदी में हेलो ये शब्द का उपयोग होना शुरू हुआ 1827 से। ये कोई ऑक्सफर्ड डिक्शनरी का शब्द नहीं है, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए यह शब्द का उपयोग होता था। अब ये अमृत महोत्सवी वर्ष के इस पावन पर्व पर विश्व गौरव, देश गौरव, गरीबों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वसाहतवाद के जो चिन्ह आज भी है, उस चिन्हों के बजाय हम देशभक्ति की भावना से प्रेरित ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक दिन पहले सांस्कृतिक कार्य मंत्री के पद पर मुझे जिम्मेदारी दी गई, तो मैंने मन में सोचा कि आज भी बहुत बड़े पैमाने पे हम हेलो शब्द का उपयोग करते हैं, मैं भी करता हूं। संस्कृति मंत्रालय की प्राथमिकता क्या होगी, जो आपका मंत्रालय है उसकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरे विभाग की यह प्राथमिकता है कि मेरे महाराष्ट्र की संस्कृति को, सांस्कृतिक विरासत को मैं आगे बढ़ाऊं, और मेरे प्राथमिकता में महाराष्ट्र में वंदे मातरम यह अभिमान से लिया जाने वाला शब्द है। हमारे एक मराठी कवि ने बड़े अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया है, वेद मंत्रा हुन आंबा वंदे वंदे मातरम। भगवान के मुख से निकले हुए वेद मंत्र से, राष्ट्रभक्त के ओठों से निकले हुए वंदे मातरम यह हमें प्राण प्रिय है। वंदे मातरम शब्द को अंग्रेज डरते थे। अंग्रेज अगर आप हाथ में तिरंगा और ओठों पे वंदे मातरम रहता था तो जेल में ठूस देते थे। वंदे मातरम भारत माता को नमन है, वंदन है, क्योंकि विश्व में 193 देशों में हम इस देश को माता मानते हैं। पाकिस्तान माता की जय कोई नहीं कहता। विपक्ष ने विधानसभा के बाहर आज प्रदर्शन किया है सुधीर जी, भारी बारिश में किसानों का नुकसान हुआ उनका कहना है। पालघर की खबर आपने देखी होगी, जुड़वा बच्चों को चिकित्सा नहीं मिल सकी, उनकी मौत हो गई। मां की हालत भी खराब है भारी बारिश में, सड़क में किस तरह से कंधों पर उठाकर उस मां को लेकर आए। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, ये भी तुम्हारी की हमारी संस्कृति? तो आप एक मुझे बात बताइए, आप टीवी चैनल पे 24 घंटा यही प्रश्न क्यों नहीं दिख जाते? आपकी प्राथमिकता क्या है? गरीबी नहीं है आपकी प्राथमिकता? भूखमरी नहीं है? हमारी सबकी प्राथमिकता गरीबी और भूखमरी है। नहीं, आप दिखाते तो 24 घंटा कहां दिखाते, आप तो एडवर्टाइजमेंट भी दिखाते हो। तो क्या वंदे मातरम दिखाते हो या नहीं? आप अभी भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या वंदे मातरम विज्ञापन है? आप अपने भूख से और वंदे मातरम को एक साथ क्यों जोड़ते हो ये मुझे समझ में नहीं आया। राष्ट्र को नमन करना, भारत माता को नमन करना, राष्ट्रगीत गाना, इसका उससे संबंध जोड़ना, यही अपने आप में ये गलत बात है। देखो, भूख के बारे में आपको शायद पता नहीं कि हमने पूर्वग्रस्त लोगों के लिए क्या क्या किया, आपको नहीं पता। अमृत महोत्सवी वर्ष में राज्य सरकार ने क्या किया ये पता नहीं, मगर आप भी ऐसे लोगों के भ्रम में क्यों आ जाते हो? सुधीर जी, भारत में ऐसी जननी है जहां हर कोई खुशहाल हो, खाने को भरपूर मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, शिक्षा मिले, क्या ये भारत माँ के प्रति सिर्फ टोकनिज्म नहीं है?
नहीं, आप आपको ये भ्रम निर्माण कौन कर रहे हैं जो भारत माता को वंदन करने के लिए, जिन्हें वंदे मातरम पसंद नहीं? क्या अगर वंदे मातरम कहने से और हेलो कहने से कोई भूख का संबंध है क्या? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो फिर ये प्रश्न लोगों ने उठाए क्या कि हम राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्र की अस्मिता को हम आगे ले जाना चाहते हैं, संविधान में हमने वंदे मातरम के पहले कड़वे को राष्ट्रगान का दर्जा दिया, भूख से क्या संबंध है उसका? भूख का विषय अलग है जिस पे हमको सबको मिलके काम करना है, भयमुक्त भारत, भूख मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत, राष्ट्रवाद युक्त भारत, रोजगार युक्त भारत, यह हमें करना है। मगर यह आक्षेप बहुत गलत है और यह बहुत छोटी सोच है कि हम वंदे मातरम कहने की बात करेंगे तो इसका गरीबी से संबंध नहीं आते हुए भी जबरदस्ती हम जोड़ना चाहते हैं। हम सुविधाओं की बात करते हैं सुधीर जी। समाजवादी पार्टी के नेता महाराष्ट्र के ही हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा से कहा है कि जय हिंद बोलना बेहतर है। नहीं, ठीक है, जय हिंद बोल सकते, भारत माता का नाम ले सकते हैं। उनके हमारे एक भाई ने कहा कि हमारे धर्म में हम भारत माता को वंदे मातरम, इस भूमि को हम वंदन नहीं कर सकते, हम नमन नहीं कर सकते, तो उनके धर्म में कहा लिखा है मुझे पता नहीं, मैं अभ्यास करूंगा। और जो विरोध करते हैं उनके बारे में मेरे मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं यही चाहूंगा कि तर्क के आधार पे हम अपने भूमि को वंदन करने के लिए आगे आए, हैगो शब्द का इस्तेमाल ना करें। हमने ये कभी नहीं कहा, अगर आप जय श्री राम कहते हो कहिए, आप जय भगवान श्री कृष्ण कहते हो कहिए, जय केदारनाथ कहते हो कहिए, आपने अगर जय सोमनाथ कहना है कहिए, गोविंदा कहना है गोविंदा गोविंदा कहिए, उसमें मेरा कोई आक्षेप नहीं है। मगर अंग्रेज जो शब्द का इस्तेमाल करते थे उसके जगह मेरा अभियान है कि आप हैगो की जगह वंदे मातरम कहने की कोशिश करेंगे। ये आसान नहीं है मगर अगले 26 जनवरी तक ये कोशिश रहेगी। और लोग ये भ्रम निर्माण नहीं करें, ये हमारी प्रायोरिटी भूख भी है, हमारे पेट की भूख भी महत्वपूर्ण है, मगर हमारा राष्ट्रवाद भी महत्वपूर्ण है। अगर सही में नमन हो तो जय हो भी कहा जा सकता है, जय विकास भी कहा जा सकता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई कितने बड़े अधिकारी फोन उठाते हैं ये भी देखना होगा, जरूरी होगा कब तक? आपने 26 जनवरी की बात की लेकिन अपने आप में इससे भी चिंता है। हाँ जी, अभियान है, ये अभियान है, ये अभियान है, ये अभियान में कोई कानून थोड़ी बनाया जाता है ना। अभी भी देश में हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, ये भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशभक्ति न हो क्षणी कुबाल, मन में पगे वह पूरे साग, ये भावना से 3 दिन हर घर तिरंगा किया। अब कुछ लोगों ने नहीं लगाया। मैं कुछ कांग्रेस के ऐसे लोगों को जानता हूं कि उन्होंने मोदी जी ने कहने के कारण तिरंगा नहीं लगाया, तो कोई कानून थोड़ी है, नहीं लगाया, ठीक है। चलिए सुधीर जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।